फोटोडायोड कल हम कर रहे थे। फोटोडायोड लाइट एमिटिंग डायोड का अपोजिट है। लाइट एमिटिंग डायोड जहां इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, वहीं फोटोडायोड एग्जैक्टली उल्टा तो नहीं कह सकते इसे, लेकिन ये फोटोडायोड लाइट एनर्जी को रेस्पॉन्ड करता है। लाइट एनर्जी को रेस्पॉन्ड करता है फोटोडायोड। अब कैसे रेस्पॉन्ड करता है ये? एक नॉर्मल डायोड का कंस्ट्रक्शन हम समझें। पी टाइप क्रिस्टल, एन टाइप क्रिस्टल। एन टाइप में क्या? होल्स। अभी हमने इस डायोड को लगाया है रिवर्स बायस में। रिवर्स बायस में लगाया, पी टाइप को जोड़ा निगेटिव से और एन टाइप को जोड़ा पॉजिटिव से। तो पी टाइप के होल्स यहां इकट्ठे हो जाते हैं और एन टाइप के फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहां इकट्ठे हो गए। करेक्ट। डिप्लीशन रीजन आपका थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। आप सब ये डिस्कस कर ही चुके हैं पहले। डिप्लीशन रीजन की विड्थ काफी बड़ी हो जाती है अपोजिट सॉरी रिवर्स बायस की कंडीशन में। और इस डिप्लीशन रीजन में कहीं भी कोई भी चार्ज कैरियर्स नहीं है। चार्ज कैरियर्स यहां नहीं है। और ये डिप्लीशन रीजन का बड़ा हो जाना, स्ट्रॉन्गर हो जाना सपोर्ट करता है। किसे सपोर्ट करता है? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के फ्लो को सपोर्ट करता है। ये एन टाइप के होल, एन टाइप में से होल को पी टाइप में और पी टाइप में से फ्री इलेक्ट्रॉन को कहां? एन टाइप में सपोर्ट करता है। करेक्ट। और हल्की सी करंट फ्लो करती रहती है माइक्रो एम्पियर में ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। अब क्या हुआ कि इस डायोड को एक स्पेशल मटेरियल से बनाया गया, फोटो सेंसिटिव मटेरियल। फोटो सेंसिटिव मटेरियल बिल्कुल लगभग वैसी कंडीशन जैसी कि हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ी थी। और जब हम यहां कोई एक्सटर्नल सुटेबल रेडिएशन इसके ऊपर इंसिडेंट करते हैं, एक्सटर्नल रेडिएशन ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट किया, तब इस जंक्शन पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जैसा ही एक इफेक्ट हो जाता है। और जंक्शन में जो इलेक्ट्रॉन बाउंड थे, जो इलेक्ट्रॉन बाउंड थे कहां? अपने अपने कोवेलेंट बॉन्ड्स में, वो इलेक्ट्रॉन एज फ्री इलेक्ट्रॉन छूटने लगे, यहां से छूटने लगे। और साथ ही साथ जहां से इलेक्ट्रॉन छूटा वहां पर क्या हो गए? होल्स कम बन गए। अब इस डिप्लीशन रीजन में जहां मेजोरिटी, जहां कोई भी चार्ज कैरियर था ही नहीं, यहां भी चार्ज कैरियर्स बन गए। किसके कारण बन गए? इंसिडेंट रेडिएशन के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जैसा कुछ हुआ यहां, और यहां फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का क्रिएशन हो गया। अब जब यहां फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स हो गए तो कोई बात नहीं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहां चलने लगेंगे? ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव की तरफ चलने लगेंगे जहां आपने पॉजिटिव लगाया हुआ है। और होल्स का माइग्रेशन कहां होने लगेगा? होल्स का माइग्रेशन निगेटिव साइड की तरफ होने लगेगा जहां आपने निगेटिव लगाया एक्सटर्नल बैटरी का। और कंसिडरेबल लार्ज करंट फ्लो करने लगेगी। कौन सी? रिवर्स करंट। जहां रिवर्स करंट बिल्कुल माइक्रो एम्पियर्स में होनी थी, वहां रिवर्स करंट क्या हुई? रिवर्स करंट फ्यू मिली एम्पियर्स में कन्वर्ट हो गई, फ्यू बढ़ गई। देखिए, रिवर्स बायस में जीनर वोल्टेज के अंदर अंदर करंट की वैल्यू बहुत कम है, माइक्रो एम्पियर्स में है जीनर वोल्टेज के अंदर अंदर। एक फिनोमेनन इससे पहले हमने पढ़ा था कि जब जीनर वोल्टेज से ऊपर आपने बायस अप्लाई किए तो जंक्शन ब्रेकडाउन हो गया, और जंक्शन ब्रेकडाउन हो गया, ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स बन गए, रिवर्स करंट स्ट्रांग हो गई। सिंपल सी बात है, यहां जंक्शन ब्रेकडाउन करने के लिए आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का सहारा ना लेकर एक्सटर्नल रेडिएशन का सहारा ले लिया। जंक्शन ब्रेकडाउन जैसा ही हुआ है यहां भी, लेकिन उस जंक्शन ब्रेकडाउन को इनिशिएट किसने किया? इनिशिएट किया एक्सटर्नल रेडिएशन ने। क्लियर है? जीनर डायोड को जब हम रिवर्स बायस में यूज कर रहे थे एज वोल्टेज रेगुलेटर, तो वहां जंक्शन का ब्रेकडाउन किसके कारण हुआ था? रिवर्स बायस के कारण। रिवर्स बायस आपने जीनर वोल्टेज से ऊपर पहुंचा दिए, जंक्शन का ब्रेकडाउन हो गया, रिवर्स करंट बढ़ गई। लेकिन यहां उस जंक्शन ब्रेकडाउन करने के लिए आपने रिवर्स वोल्टेज यूज ना करके आपने एक एक्सटर्नल कॉज यूज कर लिया। वो एक्सटर्नल कॉज कौन सा है? रेडिएशन।
और रेडिएशन जंक्शन का ब्रेकडाउन कर सके, रेडिएशन इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स बना सके, इसके लिए आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा क्या, कि जंक्शन को कुछ ऐसे मटेरियल से बनाना पड़ेगा जो फोटो सेंसिटिव हो, जिसका वर्क फंक्शन कम हो। जिसका वर्क फंक्शन कम होगा, रेडिएशन से आराम के साथ इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाएंगे और जंक्शन का ब्रेकडाउन हो जाएगा। क्लियर हो इतनी बात? लिख लेते हैं इस चीज को। अच्छा, याद रखिएगा कि जो आपका फोटो फोटो डायोड है, इट इज ऑलवेज यूज्ड इन रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में यूज करना पड़ेगा इसको। कैसे यूज करेंगे? सर्किट भी इसका ड्रॉ कर लेते हैं हम। सिंबल इसका बिल्कुल वही है जो आपके नॉर्मल डायोड का सिंबल होता है, ये पी ये एन। लेकिन यहां इसे यूज कैसे किया जाएगा? पी टाइप को निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से लगाया जाएगा और एन टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से लगाया जाएगा। ये आपने की लगा दी, रेजिस्टेंस लगाना पड़ता है हमेशा, एक लिमिटिंग रेजिस्टेंस लगाना पड़ता है। और इस पर हम छोटा सा दो एरो बना देते हैं इनवर्ड्स, जंक्शन की तरफ को दो एरो बना देते हैं, जिससे पता लगता है कि यह है फोटोडायोड। जैसे एलईडी में बाहर की तरफ एरो बनाए थे जिससे पता लगता है कि ये लाइट एमिट करता है, ऐसे ही फोटो सेल में फोटो डायोड में आप क्या करते हैं? इनवर्स दो एरो बना देते हैं। ठीक है, ड्रॉ कीजिए, फिर इसके बारे में लिखते हैं हम। फोटो डायोड इज अ डिवाइस, फोटो डायोड इज अ डिवाइस, है ना? क्या? इट इज अ डिवाइस हैविंग फोटो सेंसिटिव सेमी कंडक्टर जंक्शन सच दैट देर इज लार्ज इंक्रीज इन रिवर्स करंट वेन द जंक्शन इज एक्सपोज टू, वेन द जंक्शन इज एक्सपोज टू रेडिएशन ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी। द जंक्शन इज कवर्ड विद अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, जंक्शन इज कवर्ड विद अ ट्रांसपेरेंट मीडियम सो दैट इट कैन बी एक्सपोज टू एक्सटर्नल रेडिएशन, सो दैट इट कैन बी एक्सपोज टू एक्सटर्नल रेडिएशन। नेक्स्ट पैराग्राफ से लिखते हैं, फोटो डायोड इज ऑलवेज यूज इन रिवर्स बायस, फोटो डायोड इज ऑलवेज यूज इन रिवर्स बायस। देर इज ए स्मॉल रिवर्स करंट, देर इज ए स्मॉल रिवर्स करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, ड्यू टू फ्लो ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। विद इन जीनर वोल्टेज, वेन द जंक्शन इज एक्सपोज टू सुटेबल रेडिएशन, वेन द जंक्शन इज एक्सपोज टू सुटेबल रेडिएशन, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वैलेंसी बैंड जंप टू कंडक्शन बैंड। लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर इज जेनरेटेड, लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर इज जेनरेटेड। इट इंक्रीजेज द कंडक्टिविटी ऑफ क्रिस्टल, इट इंक्रीजेज द कंडक्टिविटी ऑफ क्रिस्टल। द रिवर्स करंट इंक्रीजेज सिग्निफिकेंटली, द रिवर्स करंट इंक्रीजेज सिग्निफिकेंटली
द रिवर्स करंट इंक्रीजेज सिग्निफिकेंटली, दिस इंक्रीज्ड करंट इज, दिस इंक्रीज्ड करंट इज लार्ज एनफ टू ट्रिगर, दिस इंक्रीज्ड करंट इज लार्ज एनफ टू ट्रिगर सम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, लार्ज एनफ टू ट्रिगर सम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। और दो इसमें छोटे छोटे से ग्राफ भी आपको ड्रॉ करने हैं, ये ग्राफ भी एग्जाम में बनाने के लिए आ चुके हैं। कैसे हैं ग्राफ? बिल्कुल वैसे ही बनेगा ग्राफ जैसे हमने पीछे बनाया था। रिवर्स बायस में यूज कर रहे हैं आप इसे, रिवर्स बायस, और जो करंट फ्लो करेगी उस करंट को भी क्या कहेंगे हम, उसे भी हम क्या कहेंगे, रिवर्स करंट। तो जब आपने जंक्शन को एक्सपोज नहीं किया है किसी भी रेडिएशन से, तो जीरो रिवर्स बायस पर जीरो करंट, और ये आपका रिवर्स बायस के साथ साथ इंक्रीज होती चली जाएगी, ऑलमोस्ट वैसे ही जैसे कि आपका जीनर नॉर्मल डायोड हुआ करता है, थोड़ा सा उससे थोड़ा सा वेरिएशन है बस। इस करंट को हम बोलेंगे, इस ग्राफ को बोलेंगे क्या, डार्क करंट। जैसे जैसे आप रिवर्स बायस बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे रिवर्स करंट बढ़ती चली जाएगी ड्यू टू द फ्लो ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, लेकिन बहुत छोटी सी हल्की सी करंट होगी। और जब आपने जंक्शन को एक्सपोज कर दिया है एक सूटेबल रेडिएशन से, तो अब आपका ग्राफ थोड़ा सा बदल जाता है, अब ग्राफ ये बनता है, यानी जीरो बायस पर भी हल्की सी आपको रिवर्स करंट मिलेगी, और रिवर्स बायस बढ़ाने पर यह तेजी के साथ बढ़ती चली जाएगी। कब? जब आपने जंक्शन पर एक सूटेबल रेडिएशन इंसिडेंट करा रखा है। तो ये वाली कौन सी करंट है, ये हम लिखेंगे करंट, कब की करंट, व्हेन जंक्शन इज एक्सपोज्ड टू सूटेबल रेडिएशन। वो रेडिएशन लाइट भी हो सकता है, अल्ट्रावायलेट भी हो सकता है, इंफ्रारेड भी हो सकता है, जिस हिसाब से भी जंक्शन आपको बनाया गया हो। ठीक है, ड्रॉ कर लीजिए इसे आप।